हेलो दोस्त, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि बैंक लूफा क्या होता है। देखिए, बैंक लूफा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक ऐसा चीज है कि गरीब व्यक्ति जो होते हैं बैंक लूफा का यूज करते हैं, यानी बैंक लूफा का जो नियम है उसको वो यूज करते हैं, या गरीब किसान सब यूज करते हैं आपत्ति काल में, यानी उसको कोई समस्या आ जाता है तो उसका यूज करते हैं। तो चलिए, ये क्या चीज है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे क्या ये चीज है, इसके बारे में जानते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बैंक लूफा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, बैंक लूफा एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिनका कोई आपदा यानी कोई तकलीफ बस या कोई इमरजेंसी बस उसको पैसा का आवश्यकता हो जाता है, यानी बड़ा रकम या जो भी पैसा का उसका उसको आवश्यकता हो जाता है, पैसा नहीं रहने के कारण वो अपने जमीन पे पैसा उठाते हैं, वो क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जो पैसा देने वाले रखते हैं उनसे वो बात करते हैं और बोलते हैं कि आपको जमीन, आप जो ये मेरा जमीन है आपको रजिस्टर हम कर देते हैं, और वो जाके रजिस्ट्री कर देते हैं, और उस रजिस्ट्री पेपर में साफ तौर से लिखा रहता है, रजिस्ट्री तो कर देते हैं और एक पेपर तैयार किया जाता है जिसमें साफ तौर से लिखा रहता है कि इतना तारीख को, इतना महीना में और इतना वर्ष में, अगर यानी इतना दिन, इतना वर्ष और इतना वर्ष में, यानी उसमें डेट रहेगा, दिन रहेगा, महीना का नाम रहेगा और साल का नाम रहेगा, ये उसमें लिख दिया जाता है कि इतना तारीख को अगर ये व्यक्ति जो है जो मेरे जमीन रजिस्टर करवाए, मतलब रजिस्टर हमको करके दिए हैं और इसके बदले में हम इनको पैसा दिए हैं, तो इतना तारीख को, इतना महीना को, इतना साल को अगर ये पैसा हमको नहीं देते हैं तो इनका जमीन जो है वो मेरे नाम पे हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा, उसमें मेरा अधिकार रहेगा, उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रहेगा। और उस पेपर में विशेष रूप से लिखा जाता है उनके द्वारा जो पैसा लेते हैं अपने जमीन रजिस्ट्री उसको नाम पे कर देते हैं, तो उनके तरफ से साफ तौर से लिखा रहता है कि वो अगर हम इतना तारीख को पैसा नहीं देंगे तो मेरा जमीन है सो फल्ला इस आदमी का हो जाएगा, जो पैसा देने वाले का हो जाएगा, इससे मेरे ओर से और मेरे परिवार की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई जाएगी, यानी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये बैंक लूफा होता है, तो आप समझ गए। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, अगर कोई व्यक्ति का पैसा का आवश्यकता होता है तो किसी आदमी जो पैसा देने वाला था उससे बात करते हैं और अपने जमीन पे पैसा उठाते हैं, और पैसा के बदले में वो अपने जमीन रजिस्ट्री उनके नाम कर देते हैं, और उसका शर्त रहता है कि इतना तारीख को ये पैसा अगर नहीं रिटर्न करेगा तो इसका जमीन है वो मेरा हो जाएगा, इससे मेरा और जो जमीन देता है वो वहां पे उसके तरफ से लिखा रहता है कि ये मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अगर ये पैसा हम रिटर्न नहीं करते हैं, अगर वो जमीन उनके नाम हो जाता है या ले लेते हैं तो मेरे ओर से कोई या मेरे परिवार की ओर से कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और जो इस चैनल पे नए हैं और अभी तक क्लास बाय क्लास वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं मैथ का थ्योरी का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और इस चैनल पे जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरा हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।